पर बात जिस तेजी से खराब हुए उतनी ही तेजी से हालात शुक्रवार देर रात से ही सुधरने भी लगे थे और शनिवार सुबह होते ही उतनी ही तेजी से हालात सुधरे जितनी तेजी से हालात बिगड़े थे। 10 जून को रांची को जलाने की थी साजिश, विरोध करते करते उग्र हो गई भीड़। पुलिस पर उपद्रवियों ने किया हमला, कुछ मिनट में ही बिगड़ गया माहौल। जिस तेजी से बिगड़े हालात उसी तेजी से सुधरे हालात। DCSSP उतरे सड़कों पर, अमन पसंद लोगों ने भी की शांति की अपील। अपनी खूबसूरती और आबो हवा से भी ज्यादा आपसी भाईचारे और हर पर्व त्योहार मिलजुल कर साथ मनाने के लिए जाने जाने वाली रांची को लगा किसी की नजर लग गई है। 10 जून को रांची का मेन रोड इलाका चलने वाला था, रांची को बर्बाद करने की पूरी तैयारी भी कर ली गई, लेकिन पुलिस प्रशासन की सूझबूझ और अमन पसंद लोगों की समझदारी ने बिगड़े हालात को वक्त रहते काबू में कर लिया। कि अभी सभी पुलिस जवान लोग अभी सब लोग अपनी जगह पे तैनात हैं और सभी लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अपने तैनात मोड में रहें, अलर्ट मोड में रहें, एकदम चौकन्ना रहें, चारों तरफ अपनी नज़र बना के रखें। नहीं, जनरली अभी क्या है कि इंटरनेट हम लोगों ने इसको बंद करवा दिया है और वीडियोग्राफी और जो CCTV के जो हमारे पास फुटेजेज आए हैं उन सभी पर पुलिस के द्वारा जो है पुलिस के ऑफिसर्स लोग उसकी जाँच कर रहे हैं, उसको खंगाल रहे हैं, सबको चिन्हित की जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह कोई भ्रांति या कोई रूमर्स फैले, तो इसको ध्यान में रखते हुए इंटरनेट को बंद किया गया है। और मैं अपील करना चाहूँगा सभी रांची वासियों से कि किसी भी तरह के रूमर्स भ्रांतियों पर ध्यान ना दें और शांति और अमन कायम करने में जिला प्रशासन की मदद करें। सारे के जितने भी प्रबुद्ध अच्छे लोग हैं जो विभिन्न समुदाय से बिलोंग करते हैं उन लोगों से बातें की गई थी, तो पुलिस के पास एक्टिव अप्रोच के कारण हम लोग बहुत हद तक जो घटनाएं का प्लान था उसको हम लोग कंट्रोल कर पाए और बहुत ही एक कह सकते हैं कि ऐसे गंभीर माहौल को रोकने की कोशिश की गई जिसमें कि बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं, पुलिस के काफ़ी लोग इंजर्ड हैं, CTSP मेरे DSP इनफैक्ट मुझे भी एक बोल्डर लगा था हट पाके, बट समहाउ वी कुड एबल टू प्रोटेक्ट मेंटेन द लॉ एंड अवर सिटी। अब गुजारिश आप लोगों से है कि आप लोग जिस तरह से कल ने सपोर्ट किया शहर में आम व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आप लोगों का प्रयास जो है सराहनीय है। अब हम सब जिम्मेदारी बनती है कि अपने इस खूबसूरत शहर को, इस रांची को पीस और हारमोनी में कन्वर्ट करने की चेष्टा करें। बहरहाल रांची अमन पसंद लोगों का ठिकाना है, यहाँ के माहौल को खराब करने की अगर कोई कोशिश करता है तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि इसकी सूचना पुलिस को दे और पुलिस का सहयोग करे। रांची से News 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। जा रही है 10 जून को रांची को जलाने की थी साजिश और देखिए किस तरह से कल हालात जब बिगड़े, विरोध करते करते किस तरह से भीड़ उग्र हो गई, पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया, पुलिस पर उपद्रवियों ने हमला भी किया। हालांकि आप सुन रहे थे कि रांची DC ने किस तरह से शहरवासियों से अपील की है कि वो हालात को सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए, हालात को काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन की मदद करे और शहर में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए जो प्रबुद्ध लोग हैं वो आगे आए और शहर को आपसी सौहार्द शहर में बहाल हो इसे लेकर यह सुनिश्चित किया जाए। और यही वजह है कि इंटरनेट सेवा भी बाधित कर दी गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।